अनुमोलिस स्कैन 2 या फिर टीफास जनरली प्रेगनेंसी के 5वें महीने पर होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 18 से लेकर 20वें हफ्ते में ये स्कैनिंग किया जाता है। ये स्कैन इसीलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि शिशु में कोई जन्मजात विकृति या फिर कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी या फिर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या नहीं। 5वें महीने तक शिशु का लगभग हर अंग डेवलप कर चुका होता है और ग्रोथ चल रहा होता है, तो इस स्कैन से ये पता किया जाता है कि शिशु का सारे अंग सही से डेवलप कर रहा है कि नहीं। अगर शिशु में कोई भी जन्मजात विकृति या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी पाया जाता है तो डॉक्टर ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जन्मजात विकृति जीवन के अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है, यानी कि इस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के साथ बच्चा आगे जीवन पार कर सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा डॉक्टर ये भी डिसाइड करते हैं कि ये जो जन्मजात विकृति या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है ये गर्भावस्था के दौरान ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर गर्भावस्था के दौरान ये विकृति ठीक किया जा सकता है तो वो तुरंत फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इस स्कैन में शिशु का हेड, ब्रेन, चेहरा, उसका हाथ, पैर, एब्डोमेन, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, किडनी, सारे अंग बहुत ही डिटेल में स्टडी किया जाता है।